गो फ्रॉम हियर बेटा. ओके, द वेदरिंग इज जस्ट अ प्रोसेस विच इज रबिंग ऑफ द ऑन द रॉक सरफेस ऑफ द रॉक बाय वाटर बाय विंड बाय आइस बाय एनी एनी अदर नेचुरल फोर्स. ओके, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग इज मेनली डन बाय वाटर, फ्लोइंग वाटर, विंड, आइस. ओके, केमिकल वेदरिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट मिनरल इन वाटर और मे बी इन एयर और मे बी इन आइस. ओके, सो वेन दीज टाइप्स ऑफ केमिकल कंटेनिंग वाटर, एयर और आइस कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द रॉक्स, द केमिकल रिएक्शन आर देयर बिटवीन द रॉक एंड द वेदरिंग सब्सटेंस बिकॉज द रॉक्स ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड ईच एंड एवरी मिनरल हैव इट्स ओन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल क्वालिटी. So according to that, they also used to react with other materials or other minerals or other metals. So just because of this, the chemical weathering happened. Next is biological weathering is done by plants and animals. And sometimes it is maybe done by human also. Okay, can you see PPT on your screen, class 7th? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 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 okay. Okay, factors of weathering. Factors such as surface area, rock composition, and location influence the rate of weathering. The main important thing is where that rock is situated. It is near the sea, it is in the deserted area, or it is in the forest, or it is in a plain area. The area is also responsible for the weathering. If the rock is near to the sea, the ocean, agar koi rock ocean or sea ke kareeb mein hai, to what will happen? Kya hoga? That area will have the weathering in more percentile. Kyunki wahan pe weathering conditions mil jati hain. Wind is blowing in a speed or water is coming again and again on rock and making the surface uneven. Okay, to surface area agar uneven hai, तो वेदरिंग विल हैपन मोस्टली. इफ रॉक कॉम्पोजिशन इज हैविंग दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन इट, तो भी वेदरिंग ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज इफ द लोकेशन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग. लोकेशन, सपोज द रॉक इज ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वहां पे वेदरिंग फ्रिक्वेंटली होती रहेगी. वॉटर, द फास्टर द रॉक विल ब्रेक डाउन. जितनी ज्यादा पानी तेजी के साथ आकर के रॉक को टच करेगा, उतना ज्यादा तेजी के साथ रॉक जो है वो टूटती जाएगी. अ ग्रेटर सरफेस एरिया अलाउज केमिकल वेदरिंग टू अफेक्ट मोर ऑफ अ रॉक. इफ द सरफेस एरिया इज बिग, बड़ा है अगर सरफेस एरिया, तो इट विल अलाउ द केमिकल वेदरिंग मोर एंड मोर. वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल वेदरिंग को अलाउ करेगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. नंबर वन इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग इज द फिजिकल डिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हीट, वॉटर एंड फ्रॉस्ट. वेन एवर द वेदरिंग हैपन विद द हेल्प ऑफ हीट, वॉटर एंड फ्रॉस्ट इज बिकम द मैकेनिकल वेदरिंग. ए स्मॉल पीस और पार्टिकल ऑफ रॉक प्राइस ऑफ फ्रॉम द रॉक सरफेस. There is no change in the mineral constituting the rock. किसी भी रॉक के जो फिजिकल अपीयरेंस है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो दैट इज मैकेनिकल वेदरिंग. बट वॉट एवर द केमिकल प्रॉपर्टीज द रॉक इज हैविंग एट द प्रेजेंट टाइम, दैट विल नेवर चेंज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी जो रॉक की होती है, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स जो होता है, वो चेंज नहीं होता है. इट विल बी रिमेन सेम. द एंड रिजल्ट इज सॉइल एंड आफ्टर द वेदरिंग ऑफ आफ्टर दिस मैकेनिकल वेदरिंग व्हाट विल हैपन, द सॉइल फॉर्मेशन ऑकर्स देयर. मैकेनिकल वेदरिंग इज मोर इंटेंस व्हेन द रॉक लेयर्स आर एक्सपोज्ड ऑन सरफेस.
जब रॉक्स लेयर की जो अगर रॉक्स लेयर फॉर्म में हैं तो वो लेयर फॉर्म में वेदरिंग तेजी के साथ होती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, नंबर वन इज ब्लॉक इंटीग्रेशन. व्हेन द रॉक द पीस ऑफ दैट रॉक इज कन्वर्टेड इंटू ब्लॉक्स, वो मतलब एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा अगर छोटे छोटे पहाड़ों में बदल जाए, ये छोटे छोटे पीसेस में बदल जाए, तो दैट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बिकॉज इट यूज टू फॉर्म द ब्लॉक. स्लोली द होल मास ऑफ रॉक इज स्प्लिट इंटू ब्लॉक्स, दिस इज नोन एज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन. द शार्प एजेस ऑफ द ब्लॉक्स आर स्लोली राउंडेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग टर्म एक्सफोलिएशन और अनियन पीलिंग. When we peel the onion, what we'll do, we'll take out the layer of the onion one by one. So the same type of weathering if occurred on the top layer of the rock, it is known as exfoliation. Okay. Next is frost shattering. Frost shattering means when the volume of ice is 1 by 10 more than the volume of water. Because volume of ice is rather the volume. Why? Because the it is in a solid form. The water is presented in a solid form in ice. That's why the volume of ice is more than the water. And the pressure also, whatever the pressure is giving given by the ice is also more than the water because the volume is more. Particles zyada close hote hain, heavy hote hain. Okay, that's why. So slowly angular fragments of rock rise off along the crack. So when the ice used to give pressure on a rock, तो क्या होता है, जो fragments होते हैं rock के, जो parts होते हैं rock के, या जो बड़े बड़े particles होते हैं rock के, वो move करते हैं. तो this type of weathering is known as frost shattering. Okay? No, so, I want to ask one thing. Yes, but ask. Ma'am, I want to ask that if a block of ice is in a solid form, ma'am, and when it will fall from mountain to a stone and the stone will break, ma'am, so that is also called mechanical weathering? Yes. Actually, ice is also, is always a solid form of water. We all know that we can find a water in three stages. Liquid, yes, the water that we drink in a glass. Solid, the ice that we have in our refrigerators in the chiller area. Third is gaseous form. Present to nowadays, it is presented in air almost in a big quantity because whenever we switch on the ACs, hum dekhte hain ki aajkal AC mein se pani bahut nikalta hai. To wo pani kahin se aata nahi hai, wo wahi गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होती है जो प्रेजेंटेड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. एंड मई जून में आपको ये पानी इतना एसी से निकलते हुए नहीं दिखेगा बिकॉज दैट टाइम ह्यूमिडिटी इज नॉट प्रेजेंटेड, दैट मच ऑफ ह्यूमिडिटी इज नॉट प्रेजेंटेड इन द एयर. ओके, सो इफ द आइस इज कमिंग इन अ स्लो मोशन और आइस इज फॉलिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एंड इट इज मेकिंग द चेंजेस इन द रॉक, that is chemical weathering only. ठीक है, the simple chemical weathering. Sorry, mechanical weathering. Sorry. Mechanical weathering because when the ice fall on a rock, so it used to change the shape of the rock, not the chemical quality of the rock. So that is mechanical weathering. So mechanical weathering is clear in your mind, class 7? Yes, ma'am. Now we are moving. Okay, good. Now we are moving towards the chemical weathering. Chemical weathering is the rotting or decomposition of rock. Rotting and decomposition means when the minerals of the water, ice or air, whatever is presented in the mineral, in the factor which is going to do the weathering. Actually, water, air and ice are the factors of the weathering. Ye karak hote. In Hindi, we call it karak. Because of this, हम कहते हैं ना कि because इसकी वजह से ये हुआ. ठीक है, अब जैसे क्या हो गया
कि सपोज वी आर हैविंग अ ग्लास बोल इन आवर हैंड, ठीक है, मम्मी ने हमको एक ग्लास का बोल दिया और उसके अंदर सपोज पनीर की सब्जी है, सपोज, ठीक है, एंड वी आर टेकिंग दैट बोल टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल और एनीवेयर एल्स, कहीं भी लेकर हम जा रहे हैं, पीछे से हमारे भाई या बहन ने आकर के शाउट कर दिया हा कस के, हम घबरा गए, मेरे हाथ से वो बोल गिर कर टूट गया, क्लियर? तो मम्मी जब डांटने आएंगी तो हम क्या कहेंगे, मम्मी मैं क्या करूं, मैं तो लेके जा रही थी या जा रहा था और पीछे से इसने आके चिल्ला दिया, मैं डर गया, मेरे हाथ से छूट गया, ठीक है, तो ये बोल क्यों टूटा, बिकॉज ऑफ समवन एल्स. तो जस्ट लाइक दैट वॉटर आइस एंड एयर आर द रीजन ऑफ द वेदरिंग, ठीक है, व्हेन दिस वॉटर आइस एंड एयर आर मिक्स्ड विथ डिफरेंट मिनरल्स विच कैन रिएक्ट टू द मिनरल्स विच आर प्रेजेंटेड इन द रॉक. Are you getting me, class 7? मैं बताना क्या चाह रही हूँ? Yes, ma'am. I will explain it in Hindi now. मैं हिंदी में एक बार समझाती हूँ. हवा, पानी और बर्फ, इन तीनों का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकता है. कैसे हो सकता है? If the air is blowing on the ocean, okay, that air will have the water vapor and that water vapor will be little bit more salty. ठीक है? If the water is flowing on the side of the ocean or a sea, तो जो भी पानी sea और ocean में होता है उसमें comparatively to the rivers, lakes and ponds, कंपैरेटिवली उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, नमक, बिकॉज वी कैन ड्रिंक द वॉटर ऑफ रिवर, पॉन्ड एंड लेक, बट वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ ओशन. कैन यू ड्रिंक द वॉटर ऑफ ओशन? नो मैम. हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड द सी और ओशन, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या कभी किसी ओशन के पास गए? तो कभी आपने वहां पे समुद्र का पानी पिया? नो मैम. मैम मैं जब भी बीच पे जाता हूँ मैम बहुत गंदा लगता है आंखों में वहां पर, और मैम अगर चोट लग रही तब तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. ओके, बिकॉज ऑफ द व्हाट यू कॉल दिस प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स आल्सो, इसमें मिनरल्स और सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं सी वाटर में, ओशन वाटर में. ओके, द सेकेंड थिंग इज आइस. वेन द आइस, और अगर यही ओशन वॉटर से आइस बने, अगर समुद्र का पानी जम जाएगा तो उसके अंदर मिनरल्स और सॉल्ट तो उसी तरीके से रहेंगे. तो वेन दीज ऑल थिंग यूज टू कम कॉन्टेक्ट इन द रॉक विद द रॉक्स, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है. यू कैन सी इन योर पीपीटी, ये जो आपको रॉक का मैंने दिखाया है, इसमें जो पिक्चर दिखाई हुई है, कि when these all things used to react, तो जब उनके अंदर reactions होता है in the presence of sunlight and heat, समझ में आ रहा है? तो वहां पर chemical weathering होती है. Chemical composition of weathering factors जो होते हैं, they react with the rocks. तो the chemical weathering happened there. Okay. Next is biological weathering. Biological weathering is like when there is when the tree come up in the from the between of the rocks. Rock ke beech mein kahin thodi si mitti aa gayi aur wahan par ek seed pahunch gaya aur ek tree nikalne laga aur wo tree apne hisab se condition banata gaya dheere dheere chauda hota jayega. You can see in the picture also. Aur phir wo dheere dheere karke rock ko dur kar dega aur wahan par biological weathering ho jati hai. Because of this also and because of animals also, like rabbit, what did the rabbit do? Rabbit used to dig the hole in a land to make his house. So, agar thodi mitti aur wahan pe thoda rock bhi hai aur rabbit ne wahan pe hole banana shuru kiya, aur suppose mitti hat gayi to wo rock wahan se khisak sakti hai, theek hai, break down bhi ho sakti hai. Rabbit nahi, इनडायरेक्टली रैबिट ही उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है.
So that is known as biological weathering. Clear? Yes, the ma'am. Three types of weathering is clear in your mind, class 9? Sorry, 7? Sorry. Yes, ma'am. Okay. Next is soil formation. जो मिट्टी होती है हमारे यहाँ वो कैसे बनती है. सॉइल इज द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ कंप्रेसिंग मिनरल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक डिकेड ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल वाटर एंड सॉइल एटमोस्फियर. सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट विद वेदरिंग ऑफ रॉक्स मासेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेदरिंग पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक मासेस. द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. Actually, soil is simply formed by the weathering of the rocks. जब धीरे धीरे करके the upper layer of the rocks घिसती है और उसके घिसने से वो जो छोटे छोटे particles अलग होते हैं तो they used to form a soil. That's why the area which is having lots of rocks, if you talk about the southern plateau, अगर आप लोगों में से कोई कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु या केरला में गया है तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे छोटे छोटे हिल्स होते हैं. प्लेटियो एरिया है वो, तो वहां पर जो सॉइल मिलती है इट इज ब्लैक ऑफ कलर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इग्नियस रॉक. नाउ हु इज जॉइनिंग, हु इज सजेस्टिंग? अब्दुल्ला एंड मैम दीपिका अन्या आल्सो. Who is this suggesting? Abdullah. Abdullah, now you are joining. It's 9:54. I will not mark you present today. I will not mark. Ma'am, Arshit also joined now only. No, Arshit was there in the starting. एक बार अगर मैं बेटा एडमिट कर देती हूँ स्टार्टिंग में तभी मुझे पता चल जाता है. वो आप लोग आते जाते रहते हो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, दैट्स द अनदर मैटर. मैंने अभी मैं दूसरे फोन से करा है तभी. मैम फर्स्ट आई वाज जॉइनिंग फ्रॉम माय मदर फोन एंड नाउ आई एम जॉइनिंग फ्रॉम माय फोन. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बेटा, अभी किससे जॉइन किया है. नो, यू आर देयर. अन्या को तो मैंने देख लिया था. Okay. तुम लोग, you are not able to see all of them, but I can see them clearly. I can see all of you clearly. Join करोगे तो मेरी permission से ही join करोगे. Okay? So this is the formation of the soil. What is the soil profile? A vertical section of the soil forms surface down to the bedrock. Showing the different horizons. In this you can say top soil jo hoti hai, it contains organic matter and humus. Organic matter means dead part of the plant, animals and the wastage of animals and human. Ye top layer soil ki hoti hai. Theek hai? Second is subsoil. Subsoil is the second layer of the soil and it contains the little bit of rock, sand, silt and clay. Third is substratum. It consists of large fragments of weathered parent rock material. Substratum जो होता है इसमें आपको rock वगैरह बहुत मिलेगा. And bedrock is just the hard layer of the rock under the all the layers of the soil. What is soil erosion? Soil form over thousands of years but can be washed away quickly due to the carelessness of mankind. सॉइल को बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं बट इफ द सॉइल इरोजन हैपन इट जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय एजेंट ऑफ इरोजन लाइक रेन वाटर रिवर विंड एंड वेव्स इन टर्म्ड एज सॉइल इरोजन शीट इरोजन एंड गुली इरोजन आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, शीट इरोजन एंड गुली इरोजन. Sheet erosion means when the top layer of the soil erodes. Like now it's happening in Bihar. Flood आ गई है वहां पे, तो जब वो पानी वापस जाएगा तो वो अपने साथ soil को भी लेकर जाएगा. या फ्लड का पानी जब तेजी के साथ बहता है. Actually a day before yesterday I was watching a video of Mumbai.
का एक मैं वीडियो देख रही थी, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा इधर बारिश हुई है और बहुत जगह पानी भर गया है. देयर वॉज अ हाउस, और उस हाउस में किचन की खिड़की से पानी घर में घुस रहा था. मैं वो जो मैंने भी देखी है. गॉड, इट इज रियली डिस्गस्टिंग. कैन यू इमेजिन कि सीवर का पानी आपके किचन में खिड़की से घुस रहा है. गॉड, पूरा घर डूब गया था. सीरियसली, मतलब सोचो कि खुदा ना खास्ता इफ इट विल हैपन विद अस तो क्या होगा. गॉड, इट इज रियली वेरी ओके. लीव इट. So, soil erosion is mostly happened by the carelessness of the mankind. And if the top layer of the, okay, so the sheet erosion is meaning that when the top layer of the soil got eroded. Ye wave ki jo picture aapko is sheet slide mein main dikha rahi hu, ye wave erosion hai. Gully erosion means when the water is coming slowly. और वो बीच में मिट्टी के बीच में पतली पतली नालियां बनाकर जब पूरे तरीके से सॉइल इरोजन अंदर अंदर से लेयर्स में होता है सरफेस के, तो दैट इज गली इरोजन. सो एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम, हमारा स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग इन बिटवीन. हु? अमान. अमान, बट आई कैन सी द पीपीटी ओनली. Aman, no, no, now you can present. Now you can present. Okay. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, like this flood and all the things are natural disasters, so how mankind is responsible for this soil erosion? Actually, because of the cutting of the forest, what do the trees do? The trees dig under the soil and they use to capture the soil. When the human being cut down the forest, the water comes in a form of a flood. Because flood to aati hi aati hai. And flood is also happened because of the dams. Because during the time of July and September, when the door of the dam is opened by the government, to usse pani itni tezi ke saath aata hai ki it causes flood. Okay. So when there is no tree, the water will take all the top layer of the soil away with it. That's why the man is responsible for the soil erosion. The basic factor of the soil erosion that is made up by the man, it is the cutting down the tree, deforestation. Okay. So, ma'am, Odisha, Assam is the place where so many trees are there. How? No, actually, Odisha, Assam, actually they are having the tree, but so many trees are cut down by the man only. To make the cities, to do the industrialization, that's why these all things are happening. So many times man is always, most of the time man is responsible for the soil erosion. Okay, ma'am. Okay, that's okay. Why the people, the man is responsible for all these things, because trees are the main factors which used to hold up the soil. Especially the top layer of the soil, and we all know that the top layer of the soil is very, very fertile. Okay, and if that top layer will remove from the upper layer of the land, the field will become barren. Okay, that's why these all things happen. Okay, next is soil conservation. Soil conservation is very, very important for us, because if we are not going to conserve the soil, we will not able to get the good agricultural field, as well as we will not able to get the food items to eat. Soil erosion has made soil infertile. Unscientific method of cultivation has led to low yield of crops and washed away the precious topsoil. Even
when the farmers used to give lots of chemical fertilizers to their field, the natural fertility of the soil also affected. Soil conservation means to take measures to protect the top soil from being eroded. Soil conservation का मतलब क्या होता है, जो top layer of soil है उसको हमें conserve करना है ताकि वो remove ना हो. If it will remove, we will not get the good food items. Okay, number one is contour plogging. Contour plogging means we have to do the agricultural work by timing. ये नहीं कि एक ही सीजन में हम दो से तीन क्रॉप अगर अपने फील्ड में लगा लेंगे तो उस फील्ड की फर्टिलिटी बहुत तेजी के साथ अफेक्टेड होगी. ओके, नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग एंड बर्निंग. टेरेस फार्मिंग एंड बर्निंग का मींस मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर हैविंग द फार्मिंग फ्रॉम द टॉप टू द लो एरिया, तो व्हेन द वॉटर यूज टू कम फ्रॉम द टॉप टू द लो एरिया, द soil which is presented in the top area will come along with the water to the low area. So top area bilkul infertile ho jayega. Okay, plugging of gullies. Gullies ko agar hum plug up karte hain, matlab it means that we have to conserve the soil by planting more and more trees to stop using the chemical fertilizers to promote the modern method of irrigation like a sprinkle irrigation, drip irrigation. You know now what is sprinkle irrigation? Ma'am, it is when we sprinkle water. Yes, it happened in our school also. We can see that is sprinkle irrigation in our school also. Dekha hoga school mein. Yes, ma'am. Yes, that is a sprinkle irrigation. Okay, so that is sprinkle irrigation, and it used to also conserve the soil, fertility of the soil. So after using all these types of methods of irrigation, we can conserve the soil. Okay, so this was the chapter. The chapter is completed now, and I have do I have shared the worksheet? Worksheet maine share ki hai tumse? No, ma'am. Okay, so definitely I will share it now. Wait a minute. Ma'am, I want to ask one thing. Ask, beta. Ma'am, I want to ask that what, ma'am, that how much topsoil is deep inside the earth? Actually, not more than 1 to 2 meters. Ma'am, then the fertile soil which is full of humus. Okay. Okay, because we can 1 to 2 meters, maybe a 3 meters in some area, depend on the quality of soil. Okay, can anyone tell me the different types of soil? Different there are 4 different types of soils. Okay, tell me the names. Topsoil. No, beta. Types of soil. I'm not talking about the layer of soil. Types of soil. Yes. Any idea? Otherwise, I will share. No, if you can give me any idea related to that. Ma'am, I guess it mud, sand. No. Another name of soil. No, 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 no. Ma'am, sandy soil? No. Hot soil. Ma'am, clay soil. Okay, listen, 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 listen. Now I'm going to tell. Alluvial soil. Okay. Alluvial soil. And black soil. Black soil, red soil, and alluvial soil, black soil, red soil, lecterate soil. 4 types of soil is mainly found in India.
एलिवल सॉइल आर फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक इन आर एरिया, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एलिवल सॉइल मिलती है. इट इज लाइट येलो इन कलर एंड इट इज वेरी फर्टाइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. इट इज मेड अप बाय इग्नियस रॉक एंड वी ऑल नो दैट द सदर्न प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक. थर्ड इज रेड सॉइल. रेड सॉइल इज बेसिकली फाउंड इन तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. इट इज लेस फर्टाइल. इट इज वेरी वेरी लेस फर्टाइल. ओके, सेकेंड द थर्ड वन इज लैटराइट सॉइल. इट इज रियली वेरी लेस फर्टाइल. इट इज not able to have that humus in it, so laterite soil ke sath kafi zyada problem hai. And these are the different types of soil. Clear? Yes, ma'am. Okay, now again I'm going to take the attendance. Arna is present. Yes, ma'am. Abdullah. No, ma'am. Abdullah, then Aditya, Aman. Yes, ma'am. Anushka, Anya, Arhan, Aryan, Ashutosh, Atul. Aviral is not present. Mansi, Neansh are present. Parth is not present. Shivansh is not present. Why Parth is absent today? वरदान प्रेजेंट मैम. वरदान, यश, हर्षित एंड आस्था प्रेजेंट मैम. ओके गुड. वेट अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट टू ऑल ऑफ यू. मैम, व्हाट वी हैव टू डू इन आवर कॉपी? When I will say, first of all, just go through this PPT, read it out, read the chapter from your book also, and on Tuesday I will share the worksheet. No need to write down anything from PPT. I will give you the worksheet which will be basically the notes. Theek hai? Wait a minute, I'm just sharing the PPT. Okay. The PPT is there on the group now. Okay. And when you will send the worksheet? Yes, beta. Ma'am, when you will send the worksheet? We will discuss the worksheet on Tuesday, and Tuesday you will have test also. Test of geography. Wait a minute. I'm telling. Chapter 6 and 7. No, 6 is not there. Chapter 7 only. Test of chapter 7 will be on Tuesday. I will discuss the worksheet also and I will take the revision test also. Clear? Okay, ma'am. Okay. So, okay, we will meet on Tuesday then. Happy Independence Day. Thank you, ma'am. Celebrate your Independence Day at your home. Same to you, ma'am. And also put the flag on the top of the roof and celebrate it. अरे नाम कोरोना चल रहा है. अरे घर में सेलिब्रेट करने को बोल रही हूँ ना, बाहर थोड़ी नहीं जाने को बोल रही हूँ. ओके, सेलिब्रेट इट. ओके, बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. आया है? हाँ आया.
मुझे तो लगता है वो सुन भी नहीं रहा होगा, वो चला गया होगा।